विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो सिंप्लीफिकेशन के एग्जांपल है, स्क्वायर रूट 4 प्लस रूट 63 बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट 4 माइनस रूट 63 बाई 2, इसका समेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में जो गिवन है रूट 4 प्लस स्क्वायर रूट 63 डिवाइडेड बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट 4 माइनस रूट 63 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका समेशन क्या होता है हमें ये फाइंड आउट करना है। तो दिस इक्वल्स हम x समझ लेंगे। तो अगर दोनों तरफ अगर स्क्वेयरिंग किया, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट किया, तो तब ये बनता है ये बन रहे a प्लस बी होल स्क्वायर के जैसा हो गया, ठीक है। तो ये इसका ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, टू टाइम्स ए इंटू बी। यहाँ पर ये भाग है और बी ए भाग है, तो ये स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर। तो पहले सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। तो दिस इक्वल्स स्क्वायर रूट 4 प्लस स्क्वायर रूट 63 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 4 माइनस रूट 63 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। ए बी स्क्वायर क्या हो गया, प्लस 2 इंटू ए मीन्स स्क्वायर रूट 4 प्लस स्क्वायर रूट 63 डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी मीन्स स्क्वेयर रूट 4 माइनस रूट 63 डिवाइड बाई 2 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्क्वेयर मतलब स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट दोनों चले गए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर इक्वल्स क्या बन रहे, 4 प्लस रूट 63 डिवाइडेड बाई 2 रिमेनिंग रहेगा। तो यहाँ पर भी ये प्लस है, यहाँ प्लस रख लो, ये दोनों कट हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 माइनस रूट 63 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर रहेगा, तो प्लस 2 टाइम्स यहाँ पर दोनों ए इंटू बी के जैसा है, यानी रूट ए इंटू रूट बी के जैसा है। तो दिस इक्वल्स स्क्वायर रूट एक में लाया तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तब ये बनता है स्क्वायर रूट दोनों में 4 प्लस स्क्वायर रूट 63 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 63 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, ओके। अभी यहाँ पर देखो प्लस रूट 63 बाई 2 है, यहाँ पर नेगेटिव रूट 63 बाई 2 है, तो ये दोनों अपने आप कट हो जाएगा दोनों। तो रिमेनिंग रहेगा यहाँ पर 4 प्लस 4 मीन्स 8 प्लस 2 एज यूजुअल, ओके। तो इंटू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी, ये फॉर्म में है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, ठीक है। तो ए इज 4, बी इज रूट 63, तो इसका क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अगर इसमें रखा तो हम ये 4 प्लस रूट 63 बाई 2 क्या बनते हैं, यहाँ पर 4 स्क्वायर बनते हैं माइनस बी स्क्वायर मीन्स रूट 63 डिवाइडेड बाई 2 और स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इक्वल्स यहाँ पर क्या बनते हैं, 4 स्क्वायर माइनस रूट 63 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस ऑफ सेकेंड का स्क्वायर रूट 63 बाई 2 होल स्क्वायर सेम का है। तो अगर सिंप्लीफिकेशन किया तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर तो पीछे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 2 टाइम्स 4 स्क्वायर में 16 होता है। तो लेकिन यहाँ पर और स्क्वायर रूट एक है, सॉरी स्क्वायर रूट डाल दो, है ना। ये स्क्वायर रूट खाली हम ए प्लस बी अंदर का ही देखा, स्क्वायर रूट एक है उसमें, तो स्क्वायर रूट डाल दो। तो रूट 16 है, 4 स्क्वायर में 16 हो गया माइनस ये रूट 63 स्क्वायर रूट 63 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर मीन्स कितना होता है, रूट 63 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, दोनों कट हो गया तो ओनली 63 रिमेनिंग रहा। तो यहाँ पर 4, तो यहाँ पर क्या बनता है, 63 डिवाइडेड बाई 4 रिमेनिंग रहा। तो 16 माइनस 63 इसका वैल्यू क्या बनता है, 16 माइनस 63 डिवाइडेड बाई 4 ये कुछ भी नहीं है, तो कॉमन 1 ले लो, तो दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 16 फोर जार 64, 1 इंटू 63 मीन 63 डिवाइडेड बाई ए 1 और 4 का मल्टीप्लीकेशन 4 होता है। दिस इक्वल 64 माइनस 63 मीन्स 1 बाई 4 बनता है।
तो यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2 टाइम्स 16 माइनस 63 बाई 4 मीन्स 1 बाई 4, यानी अंदर स्क्वेयर रूट है 1 बाई 4 या जैसे रख दो। इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होता है देखेंगे, रूट 1 बाई 4, रूट 1 बाई 4 में स्क्वेयर रूट 1 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स स्क्वेयर रूट 1 डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट 4, दिस इक्वल्स स्क्वेयर रूट 1 मीन्स 1 डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट 4 मीन्स 2। तो स्क्वेयर रूट 1 बाई 4 मीन्स 1 बाई 2। तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2 इंटू 1 बाई 2, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2 इंटू 1 बाई 2 मीन्स इंटू 1 बाई 2 रख दो, तो 2 1 जार कट हो गया, तो रिमेनिंग 1 रहेगा इधर, यहाँ पर भी 1। तो एक्स स्क्वेयर इक्वल्स 8 प्लस 1 मीन्स एक्स स्क्वेयर इक्वल्स 9 बनते हैं। तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वेयर रूट लिया दोनों तरफ, तो ये दोनों कट हो जाएगा, एक्स का वैल्यू बनता है प्लस आर माइनस 3, लेकिन हमें यहाँ पर एक्स का वैल्यू प्लस 3 ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स का वैल्यू ये 4 प्लस रूट 63 बाई 2 ये है समझ लो, ये बी है समझ लो, ये इज़ ग्रेटर देन बी है। तो दोनों का अगर समेशन किया तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, है ना। ये 4 रूट 4 प्लस 63 बाई 2 ये प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो ये भाग इससे बड़ा है, तो इसका मतलब ये जो भी समेशन है पॉजिटिव में आ जाएगा, इसलिए एक्स का वैल्यू हम पॉजिटिव 3 लिख लेंगे। तो एक्स का इसका वैल्यू समेशन क्या है 3। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।